केंद्रीय एवं राज्य खेल विभागों के तत्वाधान से आज अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में देश भर से खिलाड़ी भाग लेने के लिए चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम में पहुंचे हैं। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल की भावना से मैदान में उतरने का आह्वान किया और हरियाणा सरकार की खेल नीतियों को लेकर चर्चा की। आज सिरसा में ऑल इंडिया सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट मेन 2017-18 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे ज़िले में विभिन्न प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, यूटी से, स्टेट से हमारे पास 23 टीमें पहुंची हैं और जिसमें लगभग के 325 खिलाड़ी हैं, उनके कोचेज भी आए हैं और हमारे जो लोकल खिलाड़ी हैं वो भी मैच देखने के लिए आए हैं। हमारे पास ओलंपियन पहुंचे हैं, सरदारा सिंह जी के पिताजी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सारे अधिकारी बैठे हैं। तो एक अच्छा माहौल सिरसा में है और मैं मानता हूँ कि इससे कबड्डी को उत्साह मिलेगा। इसमें खास बात यह है कि राजस्थान की पुरुष कबड्डी की टीम का नेतृत्व महिला कोच मालती चौहान कर रही है। राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर में खेल कार्यालय की खेल अधिकारी व राजस्थान टीम की महिला कोच मालती चौहान ने बताया, विशेष रूप से उन्होंने पुरुषों की टीम का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। पूरे भारतवर्ष में जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट कबड्डी का, इसके अंदर पूरे भारतवर्ष से जो टीमें आई हैं उसमें से एकमात्र मैं हूँ जो महिला एक पुरुषों की टीम को लेकर आई है। और मैं राजस्थान के अंदर सिविल सर्विसेज के जो टूर्नामेंट्स होते हैं या एम्प्लॉयज का जितना भी कार्य होता है उसको सबको डेवलपमेंट करने के लिए एकमात्र एक लड़की है मैं स्वयं, जो कि इसको आगे बढ़ा रही है। राजस्थान सरकार ने इसमें पहल करी है कि एक लड़की पुरुषों के लिए या अन्य जो खेल होते हैं उनके लिए पॉलिसी मेकिंग के साथ काम करके और आगे बढ़ाए। मैं इंडिया के अंदर एकमात्र लड़की, ये सभी एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के हों। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं मंत्रालय विभाग ने ये विचार किया कि भाई जो ये सभी लोग खूब काम करते हैं तो इनके रिक्रिएशन के लिए कुछ होना चाहिए, उसमें आर्ट एंड कल्चर भी और स्पोर्ट्स भी है। तो स्पोर्ट्स के अंदर सारे ही गेम्स होते हैं और चूंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्पोर्ट्स कोटे के तहत भर्ती भी करती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि ओपन के जो नेशनल्स होते हैं उसके बराबर का ये टूर्नामेंट होता है। इसमें केंद्र सरकार का जो कार्मिक विभाग है उसका दखल होता है, उसके डायरेक्शन होते हैं, उसके नियम हैं, उसको कोई भी ऑर्गेनाइजर, स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है, उसको ये फॉलो करते हैं और एक सीमित एक जो मनी है 100 रुपीज पर हेड वो केंद्र सरकार जो है वो इनको आयोजनकर्ता को देती है। प्रो कबड्डी में अपना दमखम दिखा चुके खिलाड़ी दलबीर व संजय ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह बहुत अच्छा कदम है, खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। खेलो इंडिया खेलों से खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ा है, अब कबड्डी को भी विशेष पहचान मिली है, जिससे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी इस गेम में आने लगे हैं। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। मैं कबड्डी में काफ़ी जगह खेल चुका हूँ, काफ़ी नेशनल भी खेल चुका हूँ, प्रो कबड्डी भी खेली है मैंने। इनमें अच्छा होता है कि सरकार खेलों के ऊपर लेके आती है तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी निकलते हैं। अभी वो तो देखते हैं, पर तैयारी अच्छी करवाई है, हमारे कोच ने भी, ट्रेनर भी थे, तो हमारा कैंप भी लगा था पहले, तो अच्छी तैयारी करके आए हैं, जीतेंगे। अच्छा कर रही है वैसे गवर्नमेंट, क्योंकि पहले इतनी फैसिलिटी भी नहीं देती थी, अभी गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है, इससे ना प्लेयर और ऊपर आ रहे हैं। अच्छा किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, खेलो इंडिया भी शुरू किया है और सब प्लेयरों को बहुत ही मोटिवेशन करती है और प्रोत्साहन करती है, बहुत अच्छा है। अभी पहले तो कबड्डी का इतना महत्व नहीं था, लेकिन प्रो कबड्डी आने के बाद बहुत ही ज़्यादा महत्व हो गया है। अभी तो बहुत ही प्रोफाइल कबड्डी हो गई है, पीछे तो ज़्यादा प्लेयर मिलते हैं, अभी पहले इतनी टीमें नहीं आती। अभी प्रो कबड्डी और गवर्नमेंट की मेहनत से, लगन और बहुत किया, इसलिए अभी तो टीमें 20-22 टीमें आ गई है और अच्छा आयोजन भी किया है।